हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चना दाल के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। ये टेस्टी होने के साथ साथ झटपट बनने वाला एक डिश है। दोस्तों, इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी चना दाल के लड्डू। बर्तन में भुना हुआ चना दाल लें। यहाँ मैंने करीब 100 ग्राम चना दाल लिया है। इसमें करीब 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डालें। यहाँ मेल्टेड गुड़ डालें करीब 100 ग्राम। अब इसमें कुटी हुई इलायची डाल दें और करीब 1 टेबलस्पून के करीब हनी डालकर अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें 1/2 टेबलस्पून घी डालना है। घी डाल के फिर से इसे हमें मिक्स करना है। साफ़ हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करें आप। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे लड्डू का आकार का बनाना है। इस तरीके से दबा दबा के आप लड्डू के शेप में बना लें। फ्रेंड्स, देखिए हमारा लो फैट स्वीट डिश बिल्कुल तैयार है। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।